तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जो बगल में बेल आइकन उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। थैंक यू। अब होगी तो भाई आ गया शैतान का भाई टाइटन, और यहाँ पर अब मैं राज करूँगा। इसको सोच भी नहीं सकता है। टाइटन कोबरा के रहते हुए तो इस धरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जिससे शैतान भी डरकर कांपते हैं वो हूँ मैं। कोबरा, चले जा मेरी धरती से, नहीं तू मेरे फन से नहीं बच पाएगा। अबे कोबरा, तू शायद जानता नहीं है मैं हूँ शैतान का भाई, लोग कहते हैं मुझे टाइटन। चले जा टाइटन वक्त रहते, नहीं तो तेरा भी हाल मैं उस ईगल किंग की तरह करूँगा। अबे ईगल किंग तो बच्चा था मेरे सामने, लेकिन मैं तुझे शायद पता नहीं है, ये है मेरी पावर, ये ले। कोबरा, अब तू देखा तबाही किस तरह से तुझे। बोला था मैं हूँ शैतान का भाई, और मुझसे उलझ मत क्योंकि मैं सेहत के लिए काफी हानिकारक हूँ। और मरा ना अब तू, तेरी जिंदगी नरक बना दी है मैंने। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे रहते तुझ जैसा दोस्त इस पृथ्वी पर राज करेगा। ये जीवन भी कुछ काम का नहीं है अब मेरा। साले कोबरा, मार तू, मार दे। अब मैं पूरी धरती पर राज करूँगा, ऐसी तबाही करूँगा कि देखते रहेंगे तुम्हारे भगवान भी। रक्षा करना भगवान। मर गया साला कोबरा, अब इस शहर में कोई सुपर हीरो नहीं बचा है। अब मैं मारूंगा, और ऐसा मारूंगा ना कि किसी को पानी भी नहीं मिलेगा। कल्हारी में मेरा राज है, अब बरमूडा चलता हूँ। अरे ये कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, मुझे तो टाइटन ने मार दिया था। ये कहाँ आ गया हूँ मैं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, इस आदमी से ही पूछता हूँ। अरे भाई, अरे मैं कहाँ पर हूँ? अरे हाँ भाई बोलो। अरे मैं कहाँ पर आ गया हूँ भाई? अरे भाई तुम नागलोक में हो। क्या मैं नागलोक में हूँ? हाँ भाई तुम नागलोक में हो, तुम कोबरा हो ना? हाँ मैं कोबरा ही हूँ, लेकिन मैं तो मर चुका था ना। हाँ तो मर के रही इधर आते हैं, जिंदा कोई अभी तक पहुँचा नहीं है यहाँ। लेकिन भाई अब क्या होगा मेरा? अब कुछ नहीं होगा, कुछ ही देर में महारानी आने वाली है, नागरानी, वो ही बताएंगी कि क्या होगा तुम्हारा। भाई मुझे अपने से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि मेरी पृथ्वी का क्या होगा, वहाँ पर कोई नहीं बचा अब रक्षक, वहाँ पर टाइटन ने अटैक कर दिया मेरे भाई। कोबरा, मुझे सब कुछ मालूम है कोबरा। हाँ नागरानी, आप तो इस सृष्टि की पालनहर्ता हो, आपको तो सब कुछ ही मालूम होगा। हाँ कोबरा, लेकिन अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन माँ कैसे जाऊँ मैं? तुम नहीं जाओगे तो टाइटन वहाँ आतंक मचा देगा। टाइटन किया तो कोई नहीं बचेगा, सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। कल्हारी को तो मैंने अपने अंडर कर लिया है, और ये बरमूडा, इस बरमूडा को ऐसा तबाह करूंगा ये भी हमारा घर बन जाएगा। सभी लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा,
और सभी को अपने साथ मिलाकर एक ऐसी सेना खड़ी करूंगा कि वो सच्चाई पर जीत कर सके और जो सच्चाई है उसे हरा सके। बाप का परचम लहराऊंगा यहाँ, टाइटन यहाँ तबाही करेगा, तबाही देखो कैसे करता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने गुलाम बनाने पड़ेंगे और पहला गुलाम वो आ रहा है वो। अरे अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, अरे सामने क्यों आ गए मेरे? अबे जानता नहीं है तू मुझे? अरे मैं दानव हूँ दानव। अरे तुम दानव? अरे मारना मत मुझे, अरे मुझे मारना मत। मारूंगा नहीं, मेरी आंखों में देख बस। हाँ हाँ देखता हूँ लेकिन मारना मत। क्या हुक्म है मेरे टाइटन? ऐसे तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। और जो भी मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ हाँ मेरे आका। गुलाम अब हम ऐसी फौज तैयार करेंगे जो सच्चाई को खत्म कर दे और यहाँ पाप का परचम लहरा सके। हाँ मालिक, हाँ चारों तरफ आपका ही राज होगा, आप यहाँ के राजा होंगे। हाँ इसलिए तो मैं अब सेना बना रहा हूँ अपनी, ऐसी सेना इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। हाँ मालिक, आपके आगे कोई नहीं टिक पाएगा इस दुनिया में। मार डालूंगा सभी को जो नहीं मानेगा। अरे कौन है बे, किसने अट्टो खड़ा किया आगे, जल्दी से जल्दी हटा। अरे कौन है जो यहाँ आ रहा है मेरे गुलाम को परेशान कर रहा है? अबे तू जानता नहीं है पुलिस वाला हूँ मैं। मेरी आंखों में देखो। अबे आंखों में नहीं, तुझे मार डालूंगा, मेरे पास अरेस्ट वारंट भी है, निकल यहाँ से जल्दी से जल्दी। ऐसे नहीं मानेगा तू, तुझे मैं अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। ये देख तो मेरी पावर, जो मेरी बात नहीं मानता अपने जान से जाता है। ये ले। अब खड़ी होगी मेरी सेना, मेरी टाइटन्स की फौज, ऐसी टाइटन्स की फौज जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। और अब तो कोबरा भी नहीं है। कोबरा मेरे बेटे, अब तुम्हें ही बचाना पड़ेगा अपने देश को। लेकिन माँ मेरा शरीर तो मेरी आत्मा से अलग हो चुका है, अब कैसे बचा पाऊंगा मैं? मैं तुम्हारे आत्मा को तुम्हारे शरीर में प्रवेश करवा दूंगी और तुम्हें उस टाइटन को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या माँ आप ऐसा सच में कर सकते हो? हाँ मैं कर सकती हूँ बेटा, तुम निश्चिंत हो जाओ और अपने देश को उस टाइटन से बचा लो। हाँ माँ, अब मैं उस टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से ही मार डालूंगा। उसने मेरे देश पर काफी ज्यादा तंग मचाया है, आ रहा हूँ मैं। मेरे गुलाम, हाँ मेरे आका, अब बस यही इलाका बचाएं जहाँ पर हमें राज करना है और मेरी टाइटन्स की फौज तैयार हो जाएगी। हाँ मेरे आका, हाँ आपसे आपका ही राज होगा। अरे टाइटन आ गया हूँ मैं कोबरा। ये संभव है, तुम तो मर चुके थे। असंभव को जो संभव कर सके उसी का नाम है कोबरा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जाओ गुलाम मार इसे। हाँ मेरे आका अभी मारता हूँ। इसे तो मैं एक बार में ही खत्म कर डालूंगा। ये ले गुलाम, ये ले, मर मेरे हाथों से। तुझे क्या लगा तेरा गुलाम मुझे मार पाएगा? ये तेरा ख्याली पुलाव है। पुलाव तो मैं अब तेरा बनाऊंगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है तेरा मुकाबला किसके साथ है। टाइटन हूँ मैं। और टाइटन तुझे भी नहीं पता है कि मैं पहले से भी और शक्तिशाली हो चुका हूँ, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। हाँ देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ तुझे देखना है ना मेरी शक्तियों को, तो आ जा देख ले। ये देख मेरी पावर। तो मेरी भी देख ले, नहीं बच पाएगा। पिछली बार तो तू मुझे धोखे से मार दिया था, लेकिन अब नहीं बचेगा तू टाइटन मेरे हाथों से, नहीं बच पाएगा। चल देखते हैं कोबरा किसमें कितना है दम, और जिसे जीतेगा ना वो ही बनेगा यहाँ का राजा। हाँ राजा तो नहीं,
तुझे गुलाम जरूर बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी धरती पर कोई राज नहीं कर सकता। चल देखते हैं कौन नहीं कर सकता है राज। हाँ वो तो वक्त ही बताएगा कब तक अपनी शील्ड के पीछे तू बच पाएगा, नहीं बचेगा लेकिन इस बार। हाँ देखते हैं तुझ में कितना दम है कोबरा, क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी पावर देखेगा तो आजा दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी पावर। ये ले। आखिरकार मर ही गया तू टाइटन, धरती से एक और पापी कम हो गया। और टाइटन तू तो एक चींटी थी जिसे मैंने चुटकियों में मसल डाला, क्योंकि मैं कोबरा हूँ कोबरा, और कोबरा का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। और जैसे जब तक तुझ जैसे पापी इस धरती में आते रहेंगे तब तक उन्हें मारने में आता रहूँगा, यानी कि कोबरा। लेकिन ये आ कहाँ से रहे होंगे, मैं तो इन्हें ख़त्म करता ही जा रहा हूँ, लेकिन ये पापी आ कहाँ से रहे होंगे, मुझे इसका भी पता लगाना ही पड़ेगा, और जल्दी मैं लगा दूंगा। क्या वादा हुआ मुझे इस टाइटन को धरती पर लाने का, इसने मेरा काम किया नहीं है। मैं पाप को बढ़ाना चाहता हूँ, और ये कमबख्त पाप ही नहीं बढ़ा रहा है। और अभी मारा गया ना कोबरा क्या, तो इसकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई है, क्योंकि टाइटन मर तो नहीं सकता है, अब इसे मुझे दोबारा से जीवित करना पड़ेगा। हे शैतान मुझे ताकत हो, मैं इसे फिर से जिंदा करना चाहता हूँ और करके ही रहूँगा। टाइटन बारा हाँ जा। क्या हुक्म है मेरे आका, बोलिए आपने फिर मुझे याद किया आखिरकार क्यों? टाइटन तुझे बार बार चुकाने के लिए मैं कोई बेला नहीं बैठा हूँ। तुझे बोला था कि कोबरा को खत्म कर और इस धरती पर राज कर, लेकिन तुझसे एक भी काम नहीं हो पाता है, तू कैसा है? मुझे अब रिजल्ट चाहिए जल्दी से जल्दी। जी आका अगली बार तुम्हें तबाही कर दूंगा, आप डरिएगा नहीं आका, डरिएगा नहीं। उस कोबरा को ऐसी मौत दूंगा ना कि वो तड़प तड़प कर मरेगा। मुझसे यही उम्मीद है मुझे तुमसे, और ऐसा ही खड़ा होते ना। जी आका अब देखना मेरी तबाही कैसे। टाइटन को मारने के बाद कोबरा को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं था कि खतरा कितना बड़ा है। एरिक कोबरा तुम बाहर क्या कर रही हो? अरे अंजलि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो। अरे कोबरा तुम बिना बस लोगों की मदद ही करते रहना, अपने घर के बारे में तो सोचते ही नहीं हो। अरे अंजलि सोचता तो हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन ये शक्तियाँ जो मिली है ना, ये मुझे लोगों की रक्षा करने के लिए ही मिली है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है अंजलि, और तुम्हारी भी तो रक्षा करता हूँ मैं। अरे लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ अंजलि बोलो क्या बात है। कोबरा तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में अंजलि मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ कोबरा हाँ। अरे अंजलि कितनी बड़ी खुशखबरी है ये तो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ अंदर बैठो रेस्ट करो। लेकिन तुम कब आओगे? मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा अंजलि, बस मुझे कोई बुला रहा है, तुम रेस्ट करो। लेकिन आखिर क्या बात होगी, कौन मुझे बुला रहा है, जल्दी चलता हूँ यार, मुसीबत में है कोई। टाइटन क्या तो मरेगा तू? अरे मुझे छोड़ दो मुझे। मौत का दूसरा नाम कोबरा। अरे तू टाइटन फिर से, तू जिंदा कैसे हो गया? लेकिन तू शायद पता नहीं है तुझे, ये टाइटन कभी मरते नहीं है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तू नहीं मरता तो मैं तेरी डेड बॉडी को ऐसी जगह दफनाता जहाँ पर की परिंदे भी पर ना मार सके। अरे अरे कोबरा बचा लो मुझे, बचा लो। हाँ तू चिंता मत कर, और टाइटन तू तो आज मरेगा, क्योंकि आज भगवान भी मुझे तुझसे नहीं बचा सकता। चल देखते हैं कौन कौन मरेगा। तुझे मारूंगा मैं साले, ऐसी मौत दूंगा ना कि तेरी रूह कहाँ उठेगी, तू जानता नहीं है टाइटन हूँ मैं। हाँ मैं मुझे जानता हूँ कि तू टाइटन है, पिछली बार तो तू बच गया टाइटन, लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा मेरे हमलों से, नहीं बच पाएगा। पहले तू तो बच ले, ये ले। ये क्या किया तुमने? बहुत अच्छे गुलाम, बहुत अच्छे,
मर कोबरा मर। उस्ताद ये तो हमारे जाल में फंस गया, मरेगा। अरे ये क्या किया तुमने, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने आया था। मर गया। बहुत अच्छे मेरे गुलाम, बहुत अच्छे। अब इस बरमूडा पर अपन का राज होगा, हम लोग राज करेंगे यहाँ पर। हाँ उस्ताद, हाँ मैंने कहा था ना, कोबरा को ऐसे तो मार नहीं सकते हैं, लेकिन एक ही चीज है जो उसे मार सकती है, धोखा। 17 साल के बाद जो कोबरा होता है उसका लड़का भी बड़ा हो चुका होता है, और यही वो समय है जब उसे भी शक्तियाँ मिलनी होती है, लेकिन उसकी माँ उसे इन चीज़ों से वंचित रखती है ताकि वो भी उसे कोबरा की तरह खो ना दे। तो चलिए देखते हैं इस वक्त क्या करा है वो। अरे बेटा उठो उठो कोबरा बेटा। अरे मम्मी गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया लेकिन आपने मुझे। अरे बेटा तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया है और तुम सोते रहते हो। देखो मुझे ऑफिस जाना है, मैंने खाना बना कर रख दिया है, तुम खा लेना। ठीक है मम्मी मैं खा लूँगा। हाँ ध्यान से खा लेना, और फ्रिज में रख दिया मैंने। हाँ मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए आराम से, मैं सारा घर का काम कर दूंगा। और दूध आएगा, दूध को भी गर्म करके रख देना। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए। अरे मेरी माँ भी कितनी अच्छी है यार, मेरे लिए कितने कष्ट सहती है, लेकिन कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। चलो फ्रिज से खाना ही खा लेता हूँ यार, गर्म गर्म ही बनाया है। अरे माँ ने तो मेरे फेवरेट परौंठे बनाए हैं आलू के, खा लेता हूँ यार, वैसे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलो अब खाना तो खा लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ ज़रा सा, क्योंकि टीवी देखते देखते खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। अरे लेकिन ये गाड़ी कौन है कि किसकी होगी, अरे ये कौन है पता नहीं यार। अरे बेटा। अरे अंकल आप कौन हो। अरे बेटा तुम्हें मुझे पहचाना नहीं क्या। अरे एडवर्ड का अंकल आप। हाँ बेटा मैं ही हूँ यार, तुझे पता था तब तेरे पापा थे तो हम रोज ही मिलते थे, और आजकल तो तुझे पता टाइम ही नहीं मिलता है मुझे आने का। अरे अंकल आप तो काफ़ी बदल गए हो, पहले आते थे तब तो आप काफ़ी नौजवान हुआ करते थे और मैं भी काफ़ी छोटा था ना अंकल तब। हाँ बेटा। लेकिन अंकल मुझे बताइए आखिरकार मेरे पापा थे कौन और वो क्या थे। बेटा क्या ही बताऊँ, तुम्हारे पापा इस बरमूडा के सुपर हीरो थे बेटा, और वो जो टाइटन है उससे फाइट करते थे बेटा। उन्होंने उनको धूल चटाई थी, लेकिन पता नहीं एक दिन ऐसी घटना घटी कि तुम्हारे पापा को किसी ने मार डाला बेटा। क्या अंकल मेरे पापा एक सुपर हीरो थे। हाँ बेटा हाँ। लेकिन अंकल मुझे मेरी माँ ने कभी नहीं बताया, मैं जब भी उनसे पूछता था वो हमेशा मेरी बात को टाल दिया करते थे कि तुम्हारे पापा कहीं गए हैं। अरे बेटा पता नहीं माँ तुम्हारी चिंता करती होगी इसलिए तुम्हें बताया नहीं है बेटा। हाँ अंकल मुझे भी लगता है कि माँ मुझे भी खोना नहीं चाहती थी पापा की तरह। हाँ बेटा हाँ, इसलिए तुम भी उनके साथ ऐसी बातें मत करते बेटा। हाँ अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। बहुत अच्छे बेटे, यही करना बेटा, अपनी माँ को खुश रखो बेटा। हाँ अंकल मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे एडवर्ड भैया तुम। अरे माँ तुम आ गई। हाँ अरे एडवर्ड भैया तुम कब आए। अरे बहन जी आपने बहुत देर लगा दी, कहाँ थे गए थे। अरे भैया आपको पता ही है आजकल काम कितना होता है ऑफिस में। हाँ माँ लेकिन आज तो तुम काफी जल्दी आ गई हो, कल तुम्हारा बर्थडे जो है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे माँ आपको पता था मेरा बर्थडे है आज। हाँ बेटा मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था। अरे माँ शुक्रिया आपका शुक्रिया, आपके आशीर्वाद के कारण मेरी जिंदगी का एक और साल अच्छे से बीत गया। अरे बेटा अब तुम 18 साल के हो गए बेटा, और बेटा एक बात सुनो कि अब तुम्हें ऑफ बाजार जाना पड़ेगा और सामान लेकर आना पड़ेगा, पार्टी भी है ना। हाँ माँ मैं ले आता हूँ अभी सारा। रुको। क्या हुआ माँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। क्या लिया है माँ मुझे भी बताइए। अरे तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, आ जाओ मैं दिखाती हूँ तुम्हारे। तुम बोल रहे थे ना माँ मुझे बाइक चाहिए, ये देखो बाइक। अब तुम 18 साल के हो गए, लाइसेंस भी बन जाएगा। क्या माँ आप मेरे लिए बाइक लाए हो। यू आर अ ग्रेट मोम इन द वर्ल्ड। पापा के ना होते हुए भी आपने मुझे हर वो खुशी दी है जो मुझे चाहिए थी। शुक्रिया माँ, शुक्रिया आपका। अरे बेटे चलो कोई बात नहीं, बाय बाय माँ चलता हूँ मैं। ठीक है बेटे ध्यान से जाना लेकिन। अरे ये बाइक, अरे ये चेंज कैसे होगी बाइक। पता नहीं यार मुझे लगता है कोई नया फीचर आया होगा
जल्दी चलता हूँ यार, पार्टी का सामान भी लाना है मुझे। अरे ये कहाँ ले जा रही है मुझे, मेरे सफर कुछ कंट्रोल नहीं है। अरे भगवान, अरे बचा लो मुझे। अरे ये कहाँ ले जा रही है मुझे, अरे आ, अरे अरे ये कहाँ पहुँच गया। अरे आगे तो पानी था यार, लेकिन ये मैं पहुँच कहाँ गया, ये तो कोई अलग ही दुनिया लग रही है मुझे। लेकिन ये बाइक कहाँ से कहाँ ले आई मुझे यार, ये कौन सी जगह है, और आखिरकार ये बाइक मुझे यहीं क्यों लाई, पता नहीं यार। अब घर कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है जिससे मैं अपने घर जा सकूं, ये मुझे कोई अलग ही दुनिया लग रही है यार। मम्मी मेरी इंतज़ार कर रही होगी। अरे अरे आप कौन हो, आप कौन हो। अरे बेटा हमसे डरो नहीं बेटा। अरे आप तो मुझे नाग की तरह लग रहे हो। हाँ बेटा हम नागरानी हैं। अरे अरे प्लीज़ मुझे दसना मत, मुझे नागों से डर लगता है। बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पापा जो थे वो भी एक कोबरा थे। बहुत बेटा तुम्हारे पापा भी हमारी तरह ही थे। मुझे कहा था अंकल ने कि मेरे पापा हीरो हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक कोबरा है। हाँ बेटा वो एक कोबरा थे और देश की सुरक्षा करते थे बेटा, लेकिन एक दुष्ट ने उन्हें मार डाला बेटा। लेकिन कौन था वो, किसने मारा था मेरे पापा को, मुझे बताइए नागरानी, आखिरकार किसने मेरे पापा को मारा था। बेटा वो टाइटन था बेटा, टाइटन। आखिरकार कौन है ये टाइटन, और इसने क्यों मेरे पापा को मारा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर डालूंगा नागरानी। बेटा वो बहुत खतरनाक एक दानव है बेटा, उसे मार देना तुम। लेकिन उसने मेरे पापा को मारा था, लेकिन नागरानी अपनी शक्तियों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा जाओ मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ देती हूँ बेटा। ठीक है नागरानी। ये क्या हो रहा है मुझे, मुझे लगता है कि मैं फिर से वापस आ गया, लेकिन मेरे हाथ को क्या हुआ है, मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर ही बदल गया है, और ये सुरक्षा कवच कहाँ से आ गया है। मुझे लगता है कि मैं भी अपने पापा की तरह कोबरा बन चुका हूँ। अरे माँ, अरे माँ, अरे कोबरा तुम, अरे तुम वापस आ गए। अरे माँ मैं कोबरा नहीं, मैं आपका बेटा हूँ माँ। अरे बेटा तुम। हाँ माँ। अरे बेटा तुमने क्या हालत कर ली बेटा, मैं तुम्हें जिस चीज़ से दूर करने जा रही थी और तुम वहीं उसी में जा रहे हो। लेकिन माँ मुझे नागरानी ने ये शक्ति दी है, और उन्होंने मुझे कहा भी है कि मेरा पापा ऐसे नहीं मरे थे, उन्हें टाइटन ने मारा था माँ, और अब मैं उस टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा माँ। बहन जी जाने दीजिए इसे, इसे इसके मकसद में कामयाब होने दीजिए, और अपने पापा का बदला लेने दीजिए बहन जी। हाँ माँ मैं उस टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने आपके आपसे आपकी खुशियाँ छीनी थी माँ, और मुझसे मेरा बचपन भी, वो नहीं बचेगा मेरे हाथों से, नहीं बचेगा, मुझे बस आज का आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बेटा जाओ तो जाओ, लेकिन बेटा ध्यान से जाना, क्योंकि वो दानव है, छली है, कपटी है बेटा, बेटा ध्यान से जाना। ध्यान तो माँ अब उसे अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से, मैं अपने बाप की मौत का बदला लूँगा उससे, नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी आखिरकार कोबरा का खून हूँ, और मुझसे मुझ में भी वो शक्तियाँ हैं जो कि उनके पास थी, अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। टाइटन बच जा मेरे हाथों से जितना बच सकता है, क्योंकि आ रहा है तेरी मौत, और यमराज तुझसे तेरी प्राण हरने तेरे। जब से कोबरा का खात्मा हुआ है हम इस दुनिया के राजा बन चुके हैं, टाइटन का राज है। सही कह रहे उस्ताद, आपने तो तबाही मचा दी है इस बरमूडा में। अब कुछ ही समय में ये पूरा बरमूडा अंधेरे का होगा, अंधेरे का। जब तक कोबरा है तब तक ये बरमूडा कभी अंधेरे का गुलाम नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमेशा सच्चाई बुराई पर भारी पड़ी है, और इस बार भी भारी ही पड़ेगी, क्योंकि आ गया है कोबरा। अरे कोबरा, लेकिन तू, तुझे तो मैंने मार दिया था। तू बुराई को मार सकता है, अच्छाई कभी नहीं मरती है टाइटन, और मैं कोबरा नहीं बल्कि उसका बेटा हूँ। ओ तो बाप को मारा तो बेटा आ गया। अब बेटे तेरी भी मौत मरेगी, तू भी मरेगा मेरे हाथों से, कुत्ते की मौत मारूंगा तो जा चले। इसे तो मैं गोलियों से उड़ा दूंगा। अरे ये गोलियां मेरी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुझे तो मेरे लिए एक बार ही काफी है, ये ले।
अरे टाइटन तू भी क्या करता है, इन टटपुड़ियों को क्यों बेचता है, तेरे में दम नहीं है क्या, आजा मेरे से युद्ध कर। अबे दम की बात मत कर, तेरे बाप को भी मारा था ना, अब तुझे भी मारूंगा। मुझे पता है तूने मेरे बाप को कैसे मारा था, चलिए तूने मेरे बाप को छल से मारा था, और मेरा बाप तो एक आदमी की रक्षा करने चाहता था, लेकिन उसी आदमी ने मेरे बाप के पीछे खंजर खोवा, लेकिन तू नहीं बचेगा टाइटन, मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। चल देखते हैं कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तू देखना चाहता है ना मेरी शक्तियाँ, तो आजमा ले मेरी शक्तियों को। हाँ साले दिखा मुझे अपनी शक्तियाँ, कितनी सी शक्ति है टटपुंजी तुझमें। ये ले मेरे कोबरा का बार सहन कर, मेरा सहन कर, ये ले। इसे पता नहीं है कि मेरे एक कोबरे में कितनी ज्यादा शक्ति है, क्योंकि मैं एक कोबरा के मिलने से नहीं बना हूँ, मैं हजारों कोबरों को मिलने से बना हूँ, मैं कोबरा राजा हूँ राजा। और पापा आप जहाँ भी होंगे ये देखकर खुश होगे कि आपके बेटे ने आपकी मौत का बदला ले लिया। और अब ये माँ आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे, लेकिन अगर आप आज होते तो देखते कि मैंने पापा और आपकी मौत का बदला ले लिया है माँ, उस टाइटन को ख़त्म कर दिया है माँ, लेकिन पता नहीं उस जैसे कितने टाइटन आने वाले हैं, लेकिन मैं उन्हें भी ख़त्म कर इस बरमूडा को मुक्त कर दूंगा माँ। अरे कोबरा। अरे अंजलि क्या बात है। अरे मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही थी और तुम सुन भी नहीं रहे थे। अरे मुझे माफ़ कर देना, बोलो क्या बात है। अरे कोबरा मुझे लगता है कि वो जो पहले टाइटन था उसने अपने साथियों को भी बुलाया है कोबरा, और कुछ ही क्षण में वो भी यहाँ पहुँच जाएगी कोबरा। तुम चिंता मत करो अंजलि, भले ही जितने टाइटन आ जाए उन सबको मैं ख़त्म कर डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा उन्हें। जब तक मैं जिंदा हूँ इस बुरमूड़ा पर वो कभी राज नहीं कर पाएंगे। अरे चलो कोबरा छोड़ो उन बातों को, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ तो तुम खा लेना। अरे अंजलि इतना कष्ट उठाने की क्या बात थी, मैं खुद ही बनाकर खा लेता। अरे जब तक मैं हूँ ना तो तुम्हें खाने बनाने की क्या ज़रूरत है। अरे शुक्रिया अंजलि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो मेरी देखभाल कौन करता। ठीक है कोबरा फिर मैं चलती हूँ, मुझे काम भी है। ठीक है अंजलि बाय बाय, फिर आते रहना। अरे कितनी अच्छी है यार, मेरे लिए कितना कष्ट उठाती है, और मेरी माँ के बाद यही तो है जो मेरा ध्यान रखती है यार, मुझे कहीं इससे प्यार तो नहीं हो गया है। लेकिन चलो ये भी पता नहीं मुझसे प्यार करती है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता करना पड़ेगा कि टाइटन कहाँ पर छुप कर बैठे हैं। आ गया हूँ मैं, आ गया है टाइटन, मेरे भाई को इसी तितलियों पर मारा है, आ जाओ मेरे साथियों, आ जाओ तुम्हें बुला रहा हूँ मैं, आ जाओ हमारे भाइयों का बदला लेंगे हम, हमारे टाइटन भाइयों को इसी पृथ्वी पर एक कोबरा ने मारा है, उस कोबरा को मारकर अब हम बदला लेंगे, जल्दी से जल्दी आ जाओ। अरे यार ये एरोप्लेन तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, मुझे मालिक ने कहा भी था कि इसे साफ कर देना, चलो कर देता हूँ, लेकिन यह इतना बड़ा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। ये कौन सी जगह है, लेकिन उस इंसान से पूछता हूँ कि कोबरा कहाँ है, मुझे कोबरा चाहिए, उसे मारकर भाई का बदला लूंगा। अरे कौन हो तुम? अरे मैं टाइटन हूँ, टाइटन मौत का दूसरा नाम। अरे मुझे मत मारना, लेकिन तुम्हें तो कोबरा ने खत्म कर दिया था। हम खत्म नहीं होते हैं, और मैं टाइटन हूँ, फौज है हमारी टाइटन्स की। हेलो टाइटन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे तुम्हारे साथी ने कहा भी था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं शेर की तरह घात लगा कर बैठा था, और तू क्या कह रहा था, फौज है तेरी, अबे साले तुझे भी ख़त्म कर डालूंगा और तेरी उस फौज को भी, अब इस बेचारे मासूम को जाने दे, तुझे मुझसे वास्ता है ना, तो आ गया हूँ मैं, दिखा क्या कर पाएगा तू। इसे तो जाने दूंगा मैं, लेकिन इसकी जान से मरेगा भी है मेरे हाथों से, ये ले। मर गया कोबरा, जिस तरह तेरे इस इंसान को मारा है ना उसी तरह तुझे भी मारूंगा। टाइटन तूने इसे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रुक बे साले कोबरा, अपने साथियों को लेकर आता हूँ मैं,
हम लोग साथ में मारेंगे तुझे। साला अकेले नहीं मार पाएगा, साथियों को ले आने गया है। अबे अकेले की बात कर रहा है, आ गया हूँ मैं, बोल। अबे क्यों आया है तू, मरेगा क्या मेरे हाथों से? जा अपने साथियों को भी ले आ, ताकि मैं एक ही बार में तुम्हारा सबका काम तमाम कर दूं। पहले तो मुझसे तो लड़ साले, मुझसे लड़ेगा तू, तेरी है इतनी मत। अबे साले क्या कह रहा है, तुझसे पहले भी मैं दो टाइटनों को मार चुका हूँ, अब तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तुझे भी मैं खत्म कर डालूंगा। चल देखते हैं कौन किसको खत्म करता है वे कोबरा। तो चल ठीक है, तू अपनी पावर दिखा और मैं अपनी पावर दिखाता हूँ, देखते हैं किसमें कितना है दम। चला ये देख मेरी पावर। अरे साले तुझे तो तेरी शील्ड भी नहीं बचा पाएगी, अब मेरी पावर देख तू। ये ले। आखिरकार मर ही गया, मैंने कहा था कि मर ले मुझसे पंगा, लेकिन अब यही अकेला नहीं आया इस पृथ्वी पर, और कहीं भी आया इस बरमूडा पर, उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा मुझे, उनकी भी लोकेशन पता ही करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन मुझे सबसे पहले अंजलि को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि अब तो वही एक सहारा है मेरा। अरे अंजलि को तो मैंने यहीं बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी तक आई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ उसका, लेकिन यार उसकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही मेरा एक सहारा है, और मैं उसे खोना नहीं चाहता अब अपने मम्मी पापा के बाद, क्योंकि उसके बिना मैं अधूरा सा हूँ मैं। अरे कोबरा। अरे अंजलि तुम आ गई? हाँ मैं आ गई हूँ कोबरा। अरे तुम कहती थी ना कि टाइटन आने वाले हैं, वो आ चुके हैं अंजलि। अरे क्या टाइटन आ गए हैं? हाँ अंजलि वो आ चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप जाओ, ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मेरी सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो हो तुम, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अंजलि। अरे मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कोबरा। हाँ अंजलि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित स्थान पर रहो, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब हम शादी भी कर लेंगे। ठीक है कोबरा, तो मैं सुरक्षित स्थान पर जाती हूँ यहीं पर। हाँ अंजलि, और हाँ जब भी कोई मुसीबत आए ना, तो मुझे कॉल कर लेना या मुझे याद कर लेना, तुम्हारा कोबरा हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। ठीक है, बाय बाय कोबरा। बाय बाय अंजलि। अब अंजलि को तो सुरक्षा का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब उन बाकी टाइटनों को भी खत्म करना पड़ेगा, ताकि वो बाकी बरमूडा के लोगों को कुछ हानि ना पहुंचा पाए। मेरी इंद्रियां मुझे यहीं का संकेत दे रही है कि टाइटन यहीं कहीं आसपास है, लेकिन कब तक बचेगा मेरे हाथों से? नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ है तू, चुप कर बैठा? अरे वो रहा, मुझे लगता है कि वो एक और मासूम को खतरे में डाल रहा है, और उसे उसके जरिए मुझे बुला रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं उसे ख़त्म कर डालूंगा, क्योंकि वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं कोबरा हूँ कोबरा, और मेरा मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। टाइटन नहीं बचेगा तू मेरे हाथों से, आ रहा हूँ मैं। अरे टाइटन इस मासूम बच्चे की आड़ क्यों ले रहा है? अबे कोबरा बच्चे की आड़ तो तुझे बुलाने के लिए ली थी, और अब तू आ गया है, और अब तू मरेगा मेरे हाथों से। तो ठीक है ना, मुझे मार, इस बच्चे को छोड़ दे। लेकिन चल छोड़ दिया इस बच्चे को, लेकिन तू तो मरेगा ना। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारता है और किसकी ज्यादा शक्तियां हैं। चल देखते हैं किसमें कितनी अदम, मार डालूंगा लेकिन तुझे तो मैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाने से हम हैं, जमाना हमसे नहीं। अबे देखते हैं तेरे डायलॉग तुझ पर भारी पड़ता है नहीं। मेरे डायलॉग की तरह मेरा मुक्का भी भारी है, और ये जब पड़ जाता है ना 2.5 किलो का, तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। चल देखते हैं किसमें कितना है दम साले, मेरी शक्तियाँ देखेगा ना तू? हाँ दिखाता हूँ तुझे, ये देख रे, ये ले साला। आखिरकार मर ही गया साला टाइटन, बड़ी बकवास कर रहा था मेरे साथ, इसको पता नहीं कि बच्चे बच्चे ही होते हैं और बाप बाप ही होता है, और दोस्त अब तू सुरक्षित है,
चल मेरे साथ, मैं तुझे घर में छोड़ देता हूँ तेरे। नहीं कोबरा, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं खुद चले जाऊंगा। लेकिन तेरी सुरक्षा का क्या होगा? तुझ पर फिर से अटैक कर सकते हैं ये। नहीं, मुझ पर नहीं करेंगे कोबरा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और अंजलि का भी ध्यान रखना कोबरा। ठीक है दोस्त, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन यार, ये मुझे तो जानता ही है, लेकिन ये अंजलि को कैसे जानता होगा? चलो चलता हूँ। लेकिन मेरे टाइटन साथियों, तुम्हारा बलिदान मैं जायज नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे कोबरा की कमजोरी पता लग गई है। अब उसकी कमजोरी ही उसकी जान लेगी। साथियों, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम्हारी मौत का बदला तुम्हारे ये टाइटन साथी लेगा। कोबरा शायद मुझे जानता नहीं है कि मैं इंसान नहीं, टाइटन हूँ टाइटन, और ऐसी मौत दूंगा ना उसे कि उसकी रूह कांप उठेगी। रूह कोबरा, बच के रहना, लेकिन सबसे पहले उसकी अंजलि को यहाँ अपनी जगह लेकर आऊँगा, जिसके कारण वो कोबरा आएगा और उस कोबरा को भी मैं मार डालूँगा। मार हा हा हा। देखते हैं कब तक बचता है तू कोबरा मुझसे, कब तक। आ रहा है टाइटन, आ रहा है तुझे मारने, तेरी अंजलि को लेने। हा हा। अरे, मुझे कुछ अजीब प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझसे कोई मेरा छीन गया है। लेकिन यार, अंजलि तो सुरक्षित होगी ना? लेकिन चलो पूछ ही लेता हूँ, वैसे भी घर तो आ ही गया हूँ मैं। लेकिन अरे, ये कौन गिरा होगा? अरे अरे फूफा जी, आपको क्या हुआ? अरे अरे कोबरा मेरे बेटे, अरे टाइटन यहाँ आया था और बेटा अंजलि को लेकर चला गया बेटा। आखिरकार मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ फूफा जी, मुझसे मेरी अंजलि भी छीनी गई है। अरे बेटा, लेकिन पता नहीं कहाँ लेकर गया है। मैं बोल रहा था कि कोबरा आएगा तो उसे बता देना कि टाइटन आया था। ठीक है फूफा जी, अब मैं अंजलि को ले आकर ही रहूंगा और दिखा दूंगा उस टाइटन को भी कि यह कोबरा क्या कर सकता है। अब होगा महाविनाश, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसने पहले मेरे मम्मी पापा को तो छीन ही लिया, लेकिन अब वो मुझे मेरी अंजलि भी छीनना चाहता है। लेकिन उसे शायद मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मैं हूँ महाकाल, और अब होगा मृत्यु का खेल। नहीं छोड़ूंगा उसे, अब इस पृथ्वी से पूरे टाइटन को ही समाप्त कर डालूंगा। आ रहा हूँ टाइटन, बच ले जितना बच हो सकता है तुझसे, आज तो लेकिन तुझे तेरी मौत भी नहीं बचा पाएगी। आ रहा है ये यमदूत तेरे लिए, तेरे प्राण हरने, बच ले मेरे से। अबे अंजलि, तू कब तक बचेगी मेरे से? जब तक अगर तेरा साथी कोबरा नहीं आया तो तुझे मारना पड़ेगा मुझे, और मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा तुझे मारने में, क्योंकि तेरे आशिक ने मेरे साथियों को मारा है, मेरे टाइटन साथियों को मारा है, और तुझे तो मैं मार ही डालूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। अरे मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? लेकिन अगर कोबरा को पता लग गया ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं काल हूँ, काल। जब तक अंधेरा है तब तक हम लोग हैं, और अंधेरे पे राज है, और जो प्रकाश है उस पर भी अब राज करेंगे टाइटंस। पूरे ब्रह्मांड पर हमारा राज होगा उस कोबरा को मारने के बाद, इसलिए तो तुझे मैंने लेकर आया हूँ इधर। अब वो आएगा और अपनी मृत्यु लेकर जाएगा। देखते हैं कौन मरेगा, वो या तुम टाइटन। तुम दुनिया भी जिससे डरे वैसा हूँ मैं टाइटन, और तेरा आशिक वो कोबरा मुझसे पंगा लेगा, मार डालूंगा मैं उसे, मार। अब उसे आना पड़ेगा तुझे बचाने। टाइटन वो आएगा मुझे बचाने, तुम्हें मारने। साले उस टाइटन को मालूम नहीं है कि मुझसे कोई नहीं बच पाया है आज तक, और वो क्या सोचता है, वो यहाँ पर आकर छुप जाएगा मुझसे? शायद वो जानता नहीं है कि मैं शेर हूँ जंगल का,
और वो एक रहा छोटा छोटा भेड़िया। उसे पता नहीं कि शेर अकेला ही आता है और उसका खात्मा करने मैं भी आ चुका हूँ, क्योंकि हमेशा अच्छाई की ही जीत होगी, ना कि बुराई की। वो रहा साला छुपकर, वही जलता हूँ और उसकी मौत का पैगाम लाता हूँ मैं। अरे टाइटन, अरे कायर, कहाँ छुप कर बैठा है? अबे कौन आया है मरने हमारे पास? देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हाँ मौत, साले तू मेरे जंगल में आ चुका है और तुझे पता नहीं है कि जंगल का राजा मैं हूँ। अबे साले तुझे पता नहीं, इलाका तो भेड़ियों का होता है, शेर का तो पूरा जंगली होता है। चल लग जाएगा पता कौन शेर है और कौन भेड़िया। आज तुझे मैं मसल डालूंगा चींटी की भांति। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मसलेगा। अबे साले तू जानता नहीं है, तेरी माशूका भी मेरे पास है। अरे इसका सहारा लेकर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इसके बिना तू है भी नहीं कुछ। अरे कोबरा मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे मार डालो कोबरा, तुम्हारे साथ जाऊंगी कोबरा। हाँ अंजलि तुम मेरी तरफ आ जाओ, अब देखता हूँ तू कब तक बचेगा मेरे हाथों से टाइटन। हाँ साले यार, अब तो तेरी लड़की भी तेरी तरफ भेज दी मैंने, अब देखता आता हूँ तुझे अपनी पावर, कैसी पावर होती मेरे पास। तूने मेरे साथियों को मारा था ना, अब तेरी लाश दफना दूंगा यहीं पर मैं। दफनाएगी तो तेरी लाश, क्योंकि पता नहीं मारूंगा तो मैं ही तुझे, और वक्त भी मेरा होगा और वो टाइम भी। चले या तो आज ही वो वक्त है और आज ही वो टाइम है, मैं मारूंगा लेकिन तुझे आज वो उस टाइम और वक्त में। अब देखिए मेरी पावर। आखिरकार मर ही गया। इसे पता नहीं कि शेर के मुंह में कभी हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि वो अपनी जान से ही चला गया। और चलो अंजलि हम अपने घर चलते हैं। अरे कोबरा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई कोबरा, शुक्रिया। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी जान हो और मैंने तो अपनी ही जान को बचाया है। चलो अब कहाँ जाना है? चलो घर चलते हैं। और कहाँ चलेंगे? अरे ये कहाँ आ गए हम लोग? अरे अंजलि तुम भी कैसे बातें कर रही हो यार, देखो हम अपने घर आ चुके हैं। अच्छा अच्छा हमारा घर? हाँ तुम्हें मालूम नहीं है क्या साइज से? अरे पता नहीं कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे अरे कहाँ गए तुम? अरे यहाँ पर हूँ, अब तुम्हें रास्ते भी याद नहीं है यार, जाओ रेस्ट कर लो थोड़ी देर। अरे ठीक है मैं करके आती हूँ, रेस्ट करती हूँ। अरे अभी से क्या हुआ होगा, इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि इसका घर भी है कोई। मुझे लगता है ये सबको सुन दुष्ट शक्तियों का प्रभाव है। अब इसका एक ही रास्ता है, मुझे नागरानी इसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरी समस्याओं का हल बता सकती है। चलो चलता हूँ अब। अरे ये कहाँ आ गई मैं और ये कैसा इलाका है? चलो लेकिन मैं अपने कामयाब होगी अपने मकसद में, मुझे जहाँ आना था वहाँ आ चुकी हूँ मैं, और अब उस कोबरा का खात्मा होगा। खात्मा मार डालूंगी उस कोबरा को, खत्म कर डालूंगी, क्योंकि उसने मेरे साथियों को मारा है। अब उस कोबरा को भी मार डालूंगा, उसे पता नहीं कि मैं टाइटन हूँ, ना कि उसकी माशूका। उसकी माशूका तो अभी भी मेरे पास है और मैं उसकी माशूका का भेष बदल के आया हूँ। कोबरा के जरिए मैं उसकी महारानी का पता लगाऊंगा और उस महारानी को भी खत्म कर डालूंगा। जो जड़ की फसाद है उसे ही मिटा डालूंगा मैं। अरे यहाँ तो पहुंच गया, लेकिन अब नागरानी कहाँ होगी? मुझे लगता है कि मुझे उनका आवाहन करना पड़ेगा। अरे नागरानी, अरे माँ प्रकट हो, मुझे आपकी जरूरत है माँ, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। प्रकट होइए माँ, दर्शन दीजिए अपने। अरे बेटा कोबरा क्या बात है? अरे माँ आपको तो सब कुछ ज्ञात ही होगा, जब से अंजलि उन अंधेरे के साये से आई है तब से वो कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रही है माँ, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मैं उसे घर लाया था और उसे अपने घर का भी माल पता नहीं है माँ। अरे बेटा ऐसी बात है तो उसे मेरे पास क्यों नहीं ले आए, मैं उसे ठीक कर देती। हाँ माँ हाँ, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ माँ। मैं अब एक काम करता हूँ कि वापस जाकर उसे भी ले आता हूँ माँ, और आप उसे ठीक कर दोगे। हाँ बेटा हाँ, जाओ तुम उसे जल्दी से जल्दी ले आओ। हाँ माँ जाता हूँ मैं। अ
अरे चलो अंजलि को ले चलता हूँ अब माँ के पास। अरे अंजलि कहाँ हो तुम? अरे कौन है? अरे मैं हूँ कोबरा, कहाँ गई तुम? अरे मैं अंदर हूँ बाथरूम में। अरे तुम बिना कहाँ पर हो यार, पता ही नहीं लग रहा है तुम्हारा। अरे यहाँ रही मैं, क्या हुआ? अरे चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाना है हमें? अरे हमें माता के पास जाना है। अरे कौन सी माता? अरे वो मेरी माँ है, वो सबकी माँ है, और वही तुम्हारे समस्या का समाधान करेगी। तुम्हें मुझे लगता है कुछ तुम पर किसी ने साया बाकी है। क्योंकि तुम पर किसी बुरी शक्तियों का साया है अंजलि, और मुझे माता ने भी यही कहा था। इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। इसलिए तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए। मैं तैयार हूँ कोबरा, तुम मुझे जहाँ भी लेकर जाओ वहाँ चल पड़ूंगी मैं। हाँ अंजलि, तो चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें भी वहाँ ले चलूंगा। ठीक है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, चलो। अरे ये कहाँ गए हम लोग? अरे यही तो नागलोक है। अरे कितना सुंदर है, ये तो स्वर्ग है। हाँ अभी माता का आह्वान करता हूँ। अरे माँ प्रकट होइए, देखिए मैं आ गया हूँ। माँ प्रकट होइए माँ। अरे माँ आ जाइए, माँ दर्शन दीजिए हमें। कहाँ गई माँ? अरे आई नहीं रही कोबरा। अरे आ जाएगी माँ। अरे माँ कहाँ है आप? अरे बेटा आ गई हूँ मैं, बोलो क्या बात है? अरे माँ देखो मैं अंजलि को ले आया हूँ माँ, अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए माँ। अरे माँ पता नहीं मुझे क्या हो रहा है माँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ माँ, मेरी मदद कीजिए माँ। अरे बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे में से सब बुरी शक्तियों का नाश कर दूंगी। धन्यवाद माँ धन्यवाद। शुक्रिया माँ शुक्रिया आपका, आप इसे ठीक कीजिए माँ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी माँ आया माँ। हाँ माँ ठीक है कोबरा, ध्यान से जाना तुम। ठीक है बेटा तुम जाओ तब। अरे बेटा आखिरकार तुम्हें हुआ क्या था, मुझे सारी बातें विस्तार में बताओ। अरे माँ देखी ना, मुझे वहाँ लेकर गए थे वो लोग अंधेरे की दुनिया में, और वहीं पर माता पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मुझे क्या हो गया। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि क्योंकि वहाँ पर तो अच्छाई की शक्ति भी कम होने लग पड़ती है बेटी। हाँ माँ हाँ, और माँ वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया, और माँ उन्होंने मुझे मार डाला। मैं टाइटन हूँ और भाई ये ले। मार डाला इसको भी, और अब ये मारा होगा स्वर्ग, हम नर्क भी मारा और स्वर्ग भी मारा, अंधेरा अब प्रकाश पर हावी होगा, प्रकाश पर। क्योंकि हम टाइटन है टाइटन, हमारा काम है अंधेरे का बढ़ावा करना, और अब ये प्रकाश भी अंधेरे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकाश को मैंने तहस नहस कर दिया है, उसकी नाम महारानी को मार डाला है। अब प्रकाश के अंदर अंधेरे का एक दीपक नहीं जगेगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा ही अंधेरा। कोबरा को भी मार डालूंगा मैं, कोबरा को भी। अरे चलो सारा काम तो निपटा डाला, चलो अब माँ के पास चलता हूँ। अरे ये टाइटन क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे टाइटन तू यहाँ क्या कर रहा है, और मेरी अंजलि और महारानी कहाँ है? अंजलि तो तेरी मेरे पास है बच्चे अभी तक, और अंजलि की जगह मैं आया था उसका वेश बदल कर, और माँ तेरी माँ को तो मैंने तड़पा कर मारा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दे कि तू झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं है सच है, वो मर चुकी है अब। टाइटन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है महारानी को खत्म कर, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ये ले तो। अरे कहाँ चला गया तू? अरे कायर कहाँ चला गया? लेकिन तू नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, अब तू कोबरा का कहर देखेगा, क्योंकि कोबरा के जहर तक अभी तक कोई नहीं बच पाया है। तूने महारानी को भी मार दिया, अब स्वर्ग पर कौन अपना राज्य स्थापित करेगा? लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आ रहा हूँ मैं। ये है मेरी दुनिया, टाइटन की दुनिया, अंधेरे की दुनिया, और इसी में मैंने उस अंजलि को छुपाया था, कोबरा की माशुका को। मुझे पता नहीं है कि मैं था वो अंजलि बनकर आया हुआ। अब तो पता लग गया उसे, लेकिन वो यहाँ अंधेरे को आ नहीं सकता है। चलो अंजलि को बाहर निकालता हूँ। अंजलि
अरे अरे टाइटन मुझे छोड़ दो, मुझे कोबरा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। छोड़ूंगा लेकिन कोबरा को मारने के बाद। कोबरा आने वाला है तुझे बचाने यहाँ, और उसे मार डालूंगा मैं अपने अंधेरे के अंदर, क्योंकि अंधेरे के अंदर कभी प्रकाश नहीं जग सकता है। अब दिखाऊंगा उस कोबरा को कि किस कैसे उसकी लाश को यहाँ दफनाऊंगा मैं अपने इलाके में। अरे टाइटन कहाँ है तू? देख कोबरा आ गया है, अब नहीं बचेगा तू मेरे हाथों से। तू यही चाहता था ना कि मैं तेरी काली दुनिया में पैर रखूं, तो देख आ गया है कोबरा, अब कर ले जो कर सकता है। अबे कोबरा तू गलत जगह आ चुका है, मरेगा तू अब मेरे हाथों से। मरेगा तो तू मेरे हाथों से, भले ही इस अंधेरी दुनिया में प्रकाश खत्म हो जाए, लेकिन तू जानता नहीं है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो लेकिन उसे चीरते हुए प्रकाश जरूर उगरता है। बच्चे लग जाएगा पता अंधेरा बड़ा है या प्रकाश, क्योंकि हम अंधेरे वाले हैं और अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। कायम नहीं बेटा, उसे तो मैं खत्म कर दूंगा इस पृथ्वी से ही, अंधेरे का नामो निशान मिटा दूंगा और तेरा भी। तू मिटाएगा अंधेरे को? तू मिटाएगा? तेरे अंदर है इतनी पावर? पावर तो मैंने बहुत सारे टाइटन को दिखाई है, अब मुझे लगता है कि तेरी बारी भी आ गई है पावर दिखाने की। चल देखते हैं किसके पास कितनी पावर है। साले आ दिखाता हूँ तुझे अपनी पावर। शेर को कभी ये मत कहना कि शिकार कैसे करते हैं, क्योंकि उसका किया हुआ शिकार कभी नहीं बचता है। आ साले लग जाएगा पता कि कौन शेर है और कौन भेड़िया। साले तू तो भेड़िया भी नहीं है, तू गीदड़ है। गीदड़? गीदड़ की मौत तो मैं तुझे ही मारूंगा टाइटन, क्योंकि तू मेरी शक्तियों को जानता नहीं है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। भले यहाँ पर आकर मेरी शक्तियाँ कम हो गई है, लेकिन तू ये मत भूल कि कोबरा अनेक शक्तियों का संगठन है। साले लग जाएगा पता कि कोबरा अनेक का है कि एक का। हाँ अब देख तू मेरी पावर, देख इस टाइटन की ताकत की कितनी इसमें ताकत है। ये ले, ये ले, ये ले साले। आखिरकार इसे पता नहीं कि जैसे टाइटन के लिए तो मेरी एक जहरी काफी है। अरे कोबरा शुक्रिया कोबरा, तूने मेरी जान बचा दी। अरे अंजलि तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो। कि आखिरकार मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हें वो क्या तोहफा दिया था? अरे तुमने मुझे सबसे पहले अंगूठी दी थी। मुझे माफ़ करना अंजलि ऐसी बातें पूछने के लिए, लेकिन मुझे इन्होंने पहले भी ठगा था अंजलि, क्योंकि एक टाइटन तुम्हारे वेश लेकर उन्होंने राग रानी को मार डाला था अंजलि। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक तुम्हारे जैसा भी आया था यहाँ पर, पता नहीं कोबरा वो टाइटन के साथ मिला हुआ है, पता नहीं कौन था वो। अब ये कौन नया जुड़वा होगा और अब ये कौन नई सी मुसीबत आने वाली इस पृथ्वी पर? तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए हम किस तरह की नेक्स्ट वीडियोस बनाएं। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।